अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको इमली चटनी बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 500 ग्राम इमली, 1 कप शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून क्यूमन सीड्स, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर। इमली को मैंने हाफ लीटर पानी में रात भर भिगोया, फिर सुबह इसको अच्छी तरह मसल मसल कर छलनी के ज़रिए गुदा निकाल लिया। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और चीनी डालकर अब मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। अब देखिए ये पक पक कर गाढ़ी हो गई है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडी होकर ये चटनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देखिए नाज़रीन, ये बेहतरीन और मज़ेदार चटनी खाने के लिए तैयार है। आप इसे रमज़ानुल मुबारक और ईद के मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी पकोड़े, समोसे, दही बल्ले और हर किस्म की चाट और फ्राइड अशिया के साथ भी पेश की जाती है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।